नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण एस्ट्रो और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। इस खास कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि साल 2024 में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खुशखबरी मिलने जा रही है और पांच वो बड़ी भविष्यवाणियां जो उन्हें देगी विशेष लाभ। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुरु जी मानेंद्र जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, हमारे दर्शकों को बताइए वो पांच बड़ी भविष्यवाणियां जो वृश्चिक राशि वालों को देगी विशेष लाभ। जी, वृश्चिक राशि के दोस्तों, आपके ऊपर इस समय वर्तमान में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। पहले तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर रहे और आप पूरा पॉजिटिव होकर के काम करिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है शनि से, बिल्कुल भी। लोग डरा देते हैं कि शनि ऐसा शनि वैसा, ऐसा नहीं है। मजबूती से आप फेस करना है आपको परिस्थितियों को। अब इसके अलावा बात करते हैं कि 2024 आपका क्या कहता है। मैक्सिमम पार्ट शनि की ढैया का आपका इसी वर्ष में निकलेगा वृश्चिक राशि का, पर शनि ग्रह ढैया में भी जाता हुआ आपको लाभ दे जाएगा, क्योंकि एक शश नाम का महापुरुष राजयोग शनि ने वृश्चिक राशि के लिए बनाया हुआ है। यानी कि इस वर्ष में उन लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी जो प्रॉपर्टी का सुख चाहते हैं कि गुरु जी हमारा तो ऐसे ही निकल गए, आधा जीवन हमारी प्रॉपर्टी नहीं बन पाई, तो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, आप वाहन का सुख ले लोगे, ऐसा योग कहता है। पर आपकी माता का स्वास्थ्य वर्ष 2024 में खराब रहेगा। वर्ष 2024 की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं है। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ अच्छी नहीं है, क्योंकि जो चंद्रमा और शनि होते हैं वो आमने सामने आ जाएंगे 1 जनवरी 2024 को और विष दोष बन जाएगा दृष्टि के द्वारा, ठीक नहीं होता। इसलिए इस वर्ष में आपको तनाव तो रहेगा, पर एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि आपकी राशि के मालिक पैसे के घर पर आपको मिल रहे हैं वर्ष की शुरुआत के पहले ही दिन। इसका मतलब धन धान्य के दृष्टिकोण से वर्ष अच्छा है और आपके कैरियर के लॉर्ड सूर्य वो भी आपको पैसे के घर पर मिल रहे हैं, यानी कि कैरियर के और धन के आपस में संबंध बन रहे हैं। तो यानी कि पूरा वर्ष आपको धन की आवक के दृष्टिकोण से अच्छा नजर आता है। अगर मैं बात करूं मंगल के मित्र ग्रह देवगुरु बृहस्पति की, जिनका बहुत बड़ा योग होता है, क्योंकि एक साल में एक बार परिवर्तन करते हैं, और ये 2024 वो ऐतिहासिक महीना है जब वृष राशि के अंदर 1 मई को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा और उनकी सप्तम दृष्टि आपके वृश्चिक राशि पर, आपके मान साम सम्मान यश वैभव के घर पर पड़ेगी, तो गुरुदेव ही अकेले आपके जीवन को संभाल लेंगे। वो बोलेंगे कि अब मैं आ गया हूँ 1 मई को, तो 1 मई के बाद आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा और आप कहोगे कि बड़े पॉजिटिव घटनाएं घटित होनी शुरू हो गई हैं। पर 1 मई से देवगुरु की दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों पर, मित्रों के घर पर पड़ेगी, यात्राओं के घर पर पड़ेगी, तो आपको मतलब एक बार में आपका काम नहीं होगा यात्राओं से रिलेटेड, और छोटे भाई बहन मित्रों से आपको तनाव होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होने से आपको बचना चाहिए। जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि राहु गर्भ के ऊपर बैठा हुआ है, तो महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें, अपना प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लें, दवाइयां वगैरह अच्छे से लें, कॉम्प्लिकेशंस यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या कुछ ऐसे विशेष योग और कैरियर का कहता है। कैरियर के लिए तो मैंने आपको आश्वस्त कर ही दिया कि कैरियर में चिंता वाली बात नहीं है। अगस्त का महीना कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, सितंबर का महीना बहुत अच्छा है, अक्टूबर का महीना कैरियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ये मैं आपसे कहूंगा। और इसके अलावा आपके लिए जो मई का महीना है और 15 अप्रैल के बाद से लेके मई एंड तक, वो आपके लिए मंगल ग्रह के द्वारा बहुत अच्छा है, तो ये कहा जा सकता है। शनि का राजयोग है, अच्छा तो रहेगा ही, पर कैरियर पर दृष्टि आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हो और आपको 100 में से 75% लाभ मिल रहा है, 70% लाभ मिल रहा है, तो मैं इसको पॉजिटिव ही समझता हूँ, क्योंकि 20-25-30% की कमी तो हमेशा रहती ही है, तो ऐसे टांग खींचने वाले लोग जरूर आपके इर्द गिर्द रहेंगे। ये है वृश्चिक राशि का फल। यानी कि साल 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। मंगल का योग उनके लिए मंगल ही मंगल करेगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि साल 2024 आपके लिए काफी अच्छा रहे। गुरु जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये खास कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।